News 18 India। हल्द्वानी से बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनभूलपुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे, अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बातें पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। और जो वहां पर सुरक्षा के जवान लगे हुए थे, जो जख्मी हुए थे, उनसे मुलाकात भी की है पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरें आपके सामने है। अस्पताल वो पहुंचे, घायलों का हालचाल यहां पहुंचकर उन्होंने जाना। इसके साथ ही पूरा आश्वासन दिया है कि इसके पीछे जिनका भी हाथ है, जो भी अराजक तत्व है, उन सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दोषी हो, दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि वीडियो देख करके बाकायदा पहचान की जाएगी उपद्रवियों की। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनभूलपुरा पहुंचे थे। हिंसा के बाद वहां पर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। और देखिए, ये जो हिंसा हुई है, वो जो पूरा इलाका था, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि कैमरे में वहां पर कैद हुई हैं, हिंसा की साजिश से सीधे जुड़ी हुई ये चीजें। ग्राउंड पर न्यूज 18 इंडिया था और वही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कैसे पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया। और इसके साथ ये भी कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, सबकी पहचान की जाएगी। फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां की है, जो स्थिति का जायजा हमने लिया, वो दिखाते हैं आपको। पूरे इलाके में कर्फ्यू है, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कर्फ्यू की। देखिए, ये पूरी गली है जहां से भीड़ आई थी, इन गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर आपको एक पुलिस की वैन दिखाई देगी जो वहां से अनाउंस करते हुए आ रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरी गली जहां पर सबसे ज्यादा हुजूम था, ये बताया जा रहा है कि यहां पर लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे, अब वो हुजूम यहां पर गायब है क्योंकि कर्फ्यू की जो स्थिति है वो यहां पर बरकरार है। और इसी वजह से इसके आसपास की इसी तरह में जो जितनी भी गलियां हैं वो सब सन्नाटे में है, क्योंकि इलाके में कर्फ्यू है, इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, गलत तरीके से किसी भी अफवाह को पनपने न दें। और इसीलिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो उपद्रवी इस पूरे मकसद के पीछे कामयाब हुए थे उनकी पहचान की जा सके। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिख रही। और हल्द्वानी हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। मौके पर जो चश्मदीद मौजूद थे उन्होंने बताया, हिंसा के चश्मदीदों ने हिंसा की पूरी कहानी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने बताई है। आपको भी दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव गवाही। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहाँ पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर आप देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है। ये देखिए, इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है, इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कितने बजे गए थे आपको? सर 3:30 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया, हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी सर, वहाँ निगम की गाड़ियों ही जला दी है पूरी। कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग निकले? 150 लोग थे कर्मचारी, हम जितने भी थे। हाँ। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो अभी कुछ पता नहीं है कहाँ सर, हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा था ये? सर वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें। हाँ। काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे। हाँ। और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। हाँ। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था? वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे, इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ इन्हें भगाओ। साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना, कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा। हाँ, अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग।
सब तरफ से घेर रखा था, छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बॉटल के बोतल उतर भर भर के फेंक फेंक के मार रहे हम लोग, जैसे तैसे हम लोग अपने आप को बचा करके वहाँ से निकले हैं सर। ये टीम कितने बजे पहुंची थी? ये लोग हम लोग करीब साढ़े तीन पौने चार बजे लगभग पहुंच गए थे। और विरोध कब शुरू हो गया था? तुरंत ही हो गया था, पहुंचते ही साढ़े चार हो गया था। उन लोगों ने भगड़ा दगड़ी पत्थर सत्तर मारना शुरू कर दिया हम लोग की तरफ एकदम। प्रशासन तो लगातार अनाउंस भी कर रहा है, बिल्कुल वो भी हम लोग को बहुत कोशिश कर रहे बचाए, अपने आप को भी बचाया, लेकिन उन लोगों भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी पत्थर शुरू कर दिया। कितने कर्मचारी आपके नगर निगम के गए थे? डेढ़ सौ करीब लमसम थे, 150 कर्मचारी गए जी। और टोटल कितने हुए हैं? टोटल लमसम